सो आज है थर्सडे और हम लोग जा रहे हैं, देखो मम्मी कैसे निकल गई साइड से। सो आज है थर्सडे तो हम लोग जा रहे हैं जहाँ पर से जहाँ बाज़ार लगता है, हम लोग वहाँ जाएंगे। लेकिन उससे पहले एज यूजुअल हम लोग जाएंगे कुछ खाने के लिए, फिर जाके खाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या कर सकते हैं। सो ये रहा मैं और ये रही मम्मी। मम्मी हाय कर दीजिए। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं मम्मी? जो जहाँ थर्सडे है कभी वहाँ जाएंगे खाने, मतलब वहाँ जाएंगे सामान लेने के लिए और खाने भी जा रहे हैं ना मम्मी हम लोग। सामने से भी ट्रक आ रहा है, अभी निकलते हैं। सो बने रहे वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखें। क्या कर रही हो? बच्चा इसको देख के भाग रहा है। कौन बच्चा? वहाँ देख के भाग रहा है तो इसलिए उसको देख लिए। ठीक है चलो। यार ये गाना में ऐसा क्या है, लोग इतना पागल हो चुके हैं, रील्स वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ पर देखो काम चल रहा है। क्या दिखा रही थी अम्मी आप? ये पूल। अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा, रास्ते किनारे पूरा यहाँ का देख पूरा लगा हुआ रास्ते किनारे। यार इतना अच्छा ना, ये क्या है ना कि ब्रिज है, सॉरी फ्लाईओवर है ना अम्मी? हाँ ब्रिज फ्लाईओवर सब सेम है। तो यहाँ पर रास्ता किनारे ही है, ये फूल देखो है ना अम्मी, काफी अच्छा है ना अम्मी। लेकिन ये रेड है और ये पिंक है ना अम्मी, ये रेड है देखो। ये ना कभी मैंने पूरा साल भर रख दो ऐसी रहेगा कलर। हाँ है ना, साल भर रख दो तो खराब नहीं होता यही कलर में। अच्छा तो ये ऐसा है, हम लोग के पास था ना अम्मी, एक डेढ़ साल से ऊपर था लेकिन कलर सूख गया था। हाँ लेकिन खराब नहीं हुआ। खराब नहीं हुआ, अब ऐसी कलर ही नहीं। यार धूप इतना कड़ा है, इतना कड़ा धूप है, हम लोग कौन सा इसमें हम लोग निकले हैं ना, हम लोग को नहीं पता निकलेगा। 4 बज गया। हाँ वही बोली 4 बज गया तो कब निकलोगे, क्योंकि अभी हम लोग को जाना है जहाँ से, वहाँ पर क्या है ना कि मार्केट लगता है तो वो शाम होते होते बंद हो जाता है पूरा, तो इसलिए हम लोग को यही टाइम में निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो खैर अभी जा रहे कुछ खा लेते हैं हम लोग। कुछ खाने का क्या क्या खाएंगे बताइए तो? नूडल्स और चिली चिकन। तो नूडल्स और चिली चिकन खाएंगे गाइस। एज यूजुअल हम लोग हमेशा यही सब खाते रहते हैं, एक बार कोलकाता चले गए तो कुछ अच्छा खाएंगे वहाँ जाके। सो अभी कोलकाता जाना कब है कुछ पता नहीं है, है ना? अभी वैसे भी सिस्टर का भी एग्जाम चल रहा है, फिर होगा इन फ्यूचर कभी जाना तो जाएंगे जरूर। कैंडी क्रश ही खेली खेलती, आवाज़ शायद आप लोग सुनाई नहीं देता क्योंकि हम लोग अंदर नहीं, अभी हम लोग आज इस बार बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि अंदर ये पूरा क्राउड है, भीड़ है और मम्मी बोली कि बाहर ठीक है यहीं पर हम लोग बैठते, नहीं तो हम लोग बाहर खड़े रहते जब तक अंदर खाली नहीं होता, अंदर नहीं आते क्योंकि यार बाहर थोड़ा हमको अजीब लग रहा था, लेकिन यहाँ बैठ गए तो तब ठीक लग रहा है। चिली चिकन खाते हैं तो ये भैया बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। और सामने में भी फ्लाई मेट्रो का काम चल रहा है जो आप देख रहे हो। और ये रहा नूडल्स। बस स्टैंड में ये देखो क्या दिखाया मेरे को, पुनीत राजकुमार का, जो इनका लास्ट ईयर डेथ हो चुका है। सो ये उनका बैनर है मूवी का, ये इनका लास्ट मूवी है शायद।
आज तो मिरेकल हो चुका है, 2 मिनट के अंदर हम लोगों को बस मिल गया, क्या बात है। यहाँ पर देखो बस लिटरली पूरा खाली है, क्योंकि अभी शाम का वक्त भी है ना, और ये जो बस है ये शायद एयरपोर्ट साइड जाने वाला है, इसलिए अगर देवनाली जाता तो इसमें काफ़ी भीड़ होता। तो और यहाँ पर मम्मी के साथ रास्ते में उतार दिया। नहीं उतारी थी, उसको उतरवा ही नहीं थी ना। नहीं उतर रही थी, उसको उतरवाया। रेड रोज और ये येलो सनफ्लावर है आई थिंक सो। और ये देखो ये कौन सा अंगूर है, ये कौन सा अंगूर है, ₹60 किलो। कितना? 60 रुपये। रोज देखो ये, और ये रोज 8 रुपए का है, पता नहीं कितना होता है। क्या लेके अम्मी आप? ऐसा लग रहा है उल्टा घूमी। ये देखो गाइस, मैं आज आप लोगों को एक चीज बताऊंगा कि धनिया पत्ता, पुदीना, मीठी साग किसे कहते हैं। धनिया पत्ता, अम्मी को मछली खाने का बहुत ही दिल था, तो अभी हम लोग मछली लेने आ गए हैं। मछली देखो, रेहू मछली। हम लोग आप लोग जो मछली देखे हो, मेरे को मछली ना पसंद नहीं है, लेकिन आप लोग सोचो कि मैं बंगाल से हूँ, लेकिन मेरे को फिर भी मछली पसंद नहीं है। हाँ, मैं मछली नहीं खाता, मैं चिकन भी उतना नहीं खाना प्रीफर करता हूँ, बट लेकिन मेरे को चिकन मैं खा भी लूँगा 2 बार, लेकिन मछली मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मम्मी के वजह से हम लोग मछली लिया है अभी। और गाइस मुझे आप लोग सही बताओ, किस किस को ये कॉटन कैंडी देख के अपना बचपन याद आ गया? बचपन में लोग बहुत खरीदते थे 2 रुपए करके, अभी तो 20 रुपए हो चुका है ये। 3 hours later हम लोग ब्लड ग्रुप टेस्ट कराने के लिए आ गए हैं, इत्तेफाक से जल्दी प्लान करना पड़ा। इंजेक्शन है क्या? हाँ? क्या हम नहीं करा रहे तो हमको नहीं कराना है। ओ, जैसे वो ये होता है ना, नॉर्मल मलेरिया का ये सब टेस्ट होता है ना, वैसा ही है। देखो टाइम तो पार नहीं हो जाएगा। सही में बताना कि आप लोग में से कितने लोगों को इंजेक्शन से डर लगता है, तो डू कमेंट डाउन, जरूर बताना मेरे को।
ऑल द बेस्ट. अरे देयर इज सम शॉकिंग न्यूज, हम लोगों को पता नहीं था. आई एम ओ पॉजिटिव एंड मेरी बहन भी ओ पॉजिटिव है, हम लोग दोनों ओ पॉजिटिव है. ये कैसे हो सकता है? मम्मी ए पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव मम्मी है या फिर पापा ए पॉजिटिव है, हम लोग दोनों ओ पॉजिटिव निकले यार. हम लोग के घर में सिर्फ हम लोग की दादी थी जो ओ पॉजिटिव थी, और हम लोग इतने बड़े हो गए लेकिन हम लोग आज तक पता नहीं था कि हम लोग का ब्लड ग्रुप क्या है. आज पता चला कि ओ पॉजिटिव है. सो छोड़ो क्या करोगी? The next day. Hello guys, good morning. और कल जो रात में मैं आया, आके मैंने खाना खाया और मैं सो गया. और मम्मी को हम लोगों ने, मैंने और बहन ने नहीं बताया कि हम लोग का जो ब्लड जो टेस्ट करवाया था ना हम लोग, जो हम लोगों का ओ पॉजिटिव है. तो मम्मी से जाके मम्मी का रिएक्शन लेते हैं कि मम्मी बताइए. मम्मी को किसी को नहीं पता था यार, हम लोग इतने बड़े हो गए, हम लोग कभी अपना चेकअप नहीं करवाया था कि हम लोगों का ब्लड ग्रुप कौन सा है. बट लेकिन जो अभी हमको ज़रूरत है, जिसके वजह से मैंने चेकअप जाके करवाया है, और ओ पॉजिटिव है. मैं अकेला नहीं, मेरी बहन भी ओ पॉजिटिव है, मैं भी ओ पॉजिटिव हूँ. तो मम्मी को जाके देखते हैं, मम्मी देखो क्या बोलती हैं. मम्मी शायद शॉक हो जाएंगी, क्योंकि एक का ओ पॉजिटिव होना चलो ठीक है, हम लोग दोनों ओ पॉजिटिव है. हम लोग यूनिवर्सल डोनर है बाय द वे, हम लोग यूनिवर्सल डोनर है. तो मम्मी का रिएक्शन देखते हैं. मम्मी क्या है ना, मम्मी शायद ए पॉजिटिव है, पापा भी शायद ए पॉजिटिव है. पता करते हैं, आपको बताते हैं. आपके लिए एक चीज लेके आए हैं, ये लीजिए देखिए आप. हम लोग कल अपना ब्लड ग्रुप चेक कराया ना, तो हम लोग दोनों का ओ पॉजिटिव निकला. ऐसा कभी हो सकता है? मी एक का ओ पॉजिटिव ठीक है, हम लोग दोनों का ओ पॉजिटिव निकला. हम लोग दोनों का ओ पॉजिटिव निकला है, सोचिए ना. आप ए पॉजिटिव है ना? पापा भी है. ओ अच्छा 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 अच्छा. हम लोग दोनों का ओ पॉजिटिव देख के हम लोग खुद शॉक हो गए, मालूम है. तो मैं मम्मी को देखा, मम्मी का उतना कोई शॉक रिएक्शन मम्मी का शॉक नहीं आया, लेकिन हम लोगों को ज्यादा शॉक लगा जब हम लोग देखा ना कि हम लोग दोनों ओ पॉजिटिव है. जल्दी मिलता नहीं, इसीलिए तुम लोग को. हाँ हाँ वही तो. क्या तुमको जरूरत होगा तो बहुत, मैंने बहुत ही. हाँ हम लोग यूनिवर्सल डोनर हो गए ना, तो हम लोगों का क्या, हम लोग किस सबको खून दे सकते हैं, लेकिन हम लोगों को सिर्फ ओ पॉजिटिव ही खून लग सकता है ना. हम लोग एक घर में सिर्फ दादी का तो ओ पॉजिटिव हमको लगता था ना, कि बाप रे बाप दादी का ओ पॉजिटिव है, दादी बहुत अलग है. लेकिन हम लोग जानते नहीं थे, इतने बड़े हो गए हम लोग, सोचिए ग्रेजुएट हो चुके हैं, और हम लोग को अब जाके पता चला है कि अपना ओ पॉजिटिव है. सो ठीक है, अच्छा लगा देख के. पता है, देख के दिल में खुशी मिल रहा है ना, अलग से खुशी मिल रहा है. कि मैं आपको क्या बताऊं ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता. केक है पता, ए बी ऐसे करके बहुत सारा सबका सुना, लेकिन ओ पॉजिटिव यार, नेगेटिव भी नहीं ओ पॉजिटिव है यार. हम लोग नेगेटिव भी नहीं, हम लोग पॉजिटिव निकले, वो भी ओ पॉजिटिव. एक पता है, जब से मैं जाना हो ना, मैं और मेरी बहन ना, इतना मतलब अलग से ही हम लोग कुछ, मतलब क्या बोले ना, अच्छा अलग से खुशी मिल रहा है. तो या वी आर यूनिवर्सल डोनर, हम लोग यूनिवर्सल डोनर है. सो और हाँ खैर कोई बात नहीं. और आप लोग को लास्ट ब्लॉग बहुत अच्छा लगा था लाल बाग का, इसके लिए थैंक यू सो मच. इसी तरीका से अगर मैं कहीं घूमने गया तो जरूर आप लोगों के साथ घूमने जो भी आप लोग समझो. तो मैं जो अब जाऊंगा तो जरूर आप लोग साथ शेयर करूंगा, और उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो. टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच इज सैयद हाशमी ऑफिशियल. और मैं कोशिश जरूर करूंगा यार कि ब्लॉग ऑल्टरनेट डे में अपलोड करने का, बस थोड़ा सा काम है वो हो जाए, फिर उसके बाद इंशाल्लाह जरूर. ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करो वीडियो को. बाय, अल्लाह हाफिज़ बोल दिया मैं.